नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ एक लड़की ने गोद भराई की रस्म होने के बाद शादी से इनकार कर दिया। जब परिजनों ने दबाव बनाया तो एसपी ऑफिस पहुँच गई। उसका कहना था कि उसे जॉब करना है, इसलिए अभी पढ़ाई करना चाहती है। पुलिस के काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन एक साल बाद शादी करने की शर्त पर तैयार हुई। मामला कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र का है। यहाँ के निवासी राम नरेश, काल्पनिक नाम की बेटी सीम, 23, काल्पनिक नाम की शादी गुरसहायगंज के प्रहलाद राजपूत के साथ तय हुई। दोनों पक्षों के बीच रजामंदी के बाद सीमा की गोद भराई की रस्म भी हो गई। हालांकि अचानक उसने शादी करने से इनकार कर दिया। जब परिजनों ने दबाव बनाया तो वो एसपी ऑफिस पहुंच गई और बोली, मैं बीएससी हूं अभी और पढ़ना चाहती हूं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी कर दे रहे हैं। लड़की की बात सुनने के बाद एसपी के पेशकार ने उसकी माँ बाप को बुलाया। इस दौरान लड़की की माँ बोली, मैं गरीब हूँ और आगे पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती हूँ। काफी समझाने के बाद लड़की ने कहा, उसे एक साल का समय दिया जाए, फिर शादी कर लेगी। एसपी के पेशकार जाफरी अहमद ने बताया, लड़की पढ़ाई के लिए शादी से इनकार कर रही थी। काफी समझाने के बाद वे बोली, मुझे एक साल का समय दिया जाए क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, इसके बाद शादी कर लूंगी, मैं बालिग हूँ।